हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। जी हाँ, डीमार्ट के बारे में कुछ ब्रेकिंग न्यूज सामने आया है। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं। शायद डीमार्ट विल बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी इंडेक्स। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को इंडेक्स में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, यानी कुछ चीजों में क्वालिफाई करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स, डीमार्ट का जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट वो निफ्टी 50 में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करता है। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखे, सो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है। ओनली प्रॉब्लम, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज नॉट ए पार्ट ऑफ FNO, यानी डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट नहीं है। सो ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो एंड ऑफ अगस्त ये अनाउंसमेंट भी आ जाए एंड डीमार्ट भी एक FNO या फिर डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट हो जाए, सो ये प्रॉब्लम तो तब तक सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर डीमार्ट निफ्टी 50 का पार्ट बन जाता है टिल सेप्टेम्बर, सो दैट विल बी द गेम चेंजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हम जानते हैं वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आउटपॉर्म भी कर चुका है। लेकिन अगर ये निफ्टी का पार्ट होता है सो इसमें फिर से बहुत बड़ा रिडेटिंग होना पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं एक्टिवली मैनेज फंड, पैसिवली मैनेज फंड, बहुत सारे फंड हाउस है जो निफ्टी या फिर इंडेक्स स्टॉक को फॉलो करते हैं। सो अगर ये निफ्टी का पार्ट हो जाए तो पैसिव फंड की तरफ से तो इन्वेस्टमेंट आना तय है। अगर हम डीमार्ट का मार्केट कैप देखें, सो निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में जो भी कंपनीज है, अकॉर्डिंग टू दैट डीमार्ट बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाता है निफ्टी 50 का पार्ट होने में। इसका प्रेजेंट मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,20,00,000 करोड़ से भी ऊपर का है। सो ये बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में तो क्वालिफाई कर जाता है। सो अगर ये निफ्टी का पार्ट बनता है सो इसमें ऑलमोस्ट 0.72, सो निफ्टी में इसका वेटेज होगा 0.72%। एंड सो इन दैट केस हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $140 मिलियन का इनफ्लो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आएगा। अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें सो ऑलमोस्ट 1,050 करोड़। ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर मार्केट वैल्यू 2,20,000 करोड़ के ऊपर है तो उसमें 1,000 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ा कम अमाउंट में नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट जो डीमार्ट में आएगा। इसी के साथ साथ बहुत एक्टिवली मैनेज फंड है, वो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर ओवरवेट होंगे या फिर अंडरवेट होंगे, यानी उनकी तरफ से भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्फ्लो आएगा, ऐसा हम कहकर चल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाइंग करेंगे। बहुत सारे अलग से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाएंगे। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा इन्फ्लो आएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज इसका वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम है, लेकिन इस इन्फ्लो आने के कारण स्टॉक में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा एंड उसी के साथ साथ स्टॉक का वैल्यूएशन और बढ़ेगा इन अपकमिंग फ्यूचर, ऐसा हम कहकर चल सकते हैं। सो ये था डीमार्ट को लेकर एक शॉर्ट अपडेट। नाउ अगर हम डीमार्ट के बारे में कुछ और चीजें देखें, सो इसका प्रेजेंट मार्केट कैप 2,14,478 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 3,311, इसका 52 वीक साइज 3,397, यानी ये अपने लाइफ हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो बहुत एक्सपेंसिव है 195, जो कि इसके वैल्यूएशन को बहुत प्रीमियम बनाता है, यानी 52 वीक लो 1,900 के पास। आरओए एंड आरओसी उतना अच्छा तो नहीं है, आरओसी 12.7% एंड आरओए रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45%। तो ये था डीमार्ट के शेयर के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस एंड ये अपकमिंग न्यूज बहुत जल्द डीमार्ट की तरफ से आ सकता है। एंड अगर ये निफ्टी का पार्ट बन जाता है सो दैट विल बी द गेम चेंजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।